आप गंदी गंदी बातें करती हैं तो बड़ी अच्छी हैं। ये आपकी शादी हो गई आपके ससुर की प्रॉपर्टी है ना इंडियन रेलवे, ट्रेन खींचेंगे और बाहर जाके पट्टी कर लेंगे, तो ट्रेन नहीं खींचेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो दबा के बैठे रहेंगे। आपने ऐसा किया हुआ है और आप ऐसी बातें मुझे सिखा रही इतनी देर से। कितना गंदा आदमी है, कितना वाहियात आदमी से क्या बहस। पैसे उठा लो लंगड़े हो क्या, पैसे उठा लो। इतनी ट्रेन में पैर से उठा और मैं गिर गया तो इतनी सी कोई जगह है उसमें गिरने की जगह। ये सब बातें करके आप गिर गई है मेरी नजरों से, बस करिए मैं जा रहा हूँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। बैग किसके भरोसे छोड़ूं? क्या हुआ मैडम, कौन सी सीट? मेरी सीट तो उधर है ऊपर। हाँ मैं भी ऊपर वाली सीट की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन इस टॉयलेट की ऊपर वाली सीट की बात कर रही हूँ। आपने ऊपर वाले पे कर दिया। क्या ऊपर क्या नीचे, क्या कर दिया मैंने? भाई साहब आपने मूत्र विसर्जन कर दिया। मैडम आपकी भाषा तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन आप बातें गंदी करती हैं। मैं सिर्फ बातें गंदी करती हूँ ना, आपने तो गंदगी मचा रखी है यहाँ पर। ऊपर की सीट पे कोई नहीं करता, उसपे लोग बैठते हैं, आपने उस पे कर दिया। क्या मजाक कर रही हैं आप, वहाँ सीट पे नहीं करें तो कहाँ करेंगे, उस पे नहीं करेंगे तो क्या फर्श पे करेंगे? कैसी बात है, हटा के करना होता है, ऊपर वाली सीट पे लोग बैठते हैं। तो वो तो सभी करते हैं ना इसमें। लेकिन इसमें वेस्टर्न टॉयलेट में ना दो सीट्स होती हैं, एक को उठाना होता है ऊपर वाली को, नीचे वाले के अंदर करना होता है, ऊपर वाले पे लोग बैठते हैं। बैठते हैं तो क्या गेम ऑफ थ्रोन्स करना है वहाँ पे आपको? थ्रोन पे बिठाने के लिए मैं हाथ अपने गंदे करूँ, ये क्या है? तो हाथ क्या गंदे, आप हाँ के हाथ धो लो इधर, देखो यह साबुन है क्या? साबुन नहीं तो आप अपना साबुन लेके आ जाइए ना। ट्रेन में साबुन कहाँ, नहीं मिला साबुन, मेरे पास नहीं है साबुन। ये साबुन का देखिए अंदर भी रहता है हैंड वॉश, देख लो जाके अंदर भी नहीं है तो कैसे हाथ धोएंगे? अच्छा और तो आप बैठे उसके लिए मैं अपने हाथ करूँ, ये गंदे करूँ, ये क्या मतलब हुआ? आप करिए अपने गंदे हाथ। देखिए भाई साहब ये जो वेस्टर्न टॉयलेट होता है ना, इसमें ऊपर वाली जो सीट होती है उसको ऊपर हटा कर फिर सुसू करना होता है, जिससे कि नेक्स्ट जो बंदा आ रहा है ना उसे साफ सुथरी सीट मिले, अगर उसे उस पर बैठना है तो बैठने लायक। कानून किए जा रही है, घूमने की जगह है, घूम दिया। देखिए आपकी भाषा तो बड़ी अच्छी है, आपकी भाषा भी गंदी है और गंदगी मचाते भी हैं आप, आपने गंदगी मचा रखी है अंदर, अब वो यूज करने लायक नहीं है। मैं आप गंदी गंदी बातें करती हैं तो बड़ी अच्छी हैं। ये मैंने क्या गंदी बातें कर दी, और आपने जो गंदगी मचा रखी है उसका कुछ नहीं। देखिए वो टॉयलेट यूज करने लायक ही नहीं, आपके जैसे कोई गंदा आदमी आएगा वही यूज कर सकता है, सीट के ऊपर ही सुसू करके चला जाएगा, नीचे भी गिराएगा सीट के ऊपर भी गिराएगा, ना उसमें पैर रख सकते हैं ना सीट पे बैठ सकते हैं। मैडम मेरी भी ट्रेन है, जितनी आपकी ट्रेन है उतनी मेरी भी ट्रेन है। मेरी भी तो ट्रेन है ना, मुझे भी तो सुसू करने के लिए चाहिए ना। तो आप पानी मत पीजिए। वाह मैं पानी ना पीऊं? आप खाना मत खाइए, आप पानी भी मत पीजिए, क्यों यहाँ पे मुँह मुँह कर खराब कर रखा है आपने पूरा।
मैं नहीं कानून दे रहा, लोगों को ज्ञान नहीं दे रहा, आप दे रही है ज्ञान इतनी देर अच्छा, से अच्छा, मान आपको लगता है कि नहीं जाना, नहीं जा सकती तो बस यही सरकार को बोलिए, देखिए यहाँ पर वो हेल्पलाइन लगा नंबर लिखा हुआ है, आप सरकार को बोलिए कि यहाँ पर अब अच्छा ऐसा करिए, आप बोलिए आदमी आप गंदगी मचा दोगे तो सरकार क्या मदद करेगी, सरकार को बोलिए कि मेल्स को ना आने दे, खाली फीमेल्स के लिए बनाए अलग से बनाए, तो खाली फीमेल्स के रहता ना फीमेल्स की ट्रेन बनाए भी रहता, साथ भी रहता मेल की तरह ऊपर ही ऊपर ही सुसु करके नहीं भागती फीमेल्स। आप ये अच्छा नेक विचार ना सरकार को दीजिए कि खाली फीमेल की ट्रेन चलाएं, उसमें आदमी को ना चढ़ने दें, बिल्कुल साफ रहेगा, सब साफ रहेगा। मैं सब कुछ सरकार से बोलूं लेकिन आप एक छोटी सी हैबिट अपने लाइफ में नहीं ला सकते कि भाई हाँ अच्छा मान लीजिए आपको ही पॉटी लगती है नंबर टू आती है, आप कैसे बैठेंगे उसमें, अगर हर आदमी आपके जैसा सोचेगा सीट के ऊपर ही सुसु कर देगा तो आपको पॉटी लगेगी, आप कैसे बैठेंगे उसमें। मैडम बचपन से देखता आ रहा हूँ यही चीज झेलता आ रहा हूँ और मैंने कभी किसी से कंप्लेन नहीं किया कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, कंप्लेन नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सही हो, गंदा रहता था अब साफ रहता है, साफ रहता। पॉटी करने कैसे जाओगे ये बता दो मुझे, पॉटी करने कैसे जाएंगे आप, उसमें बैठेंगे कैसे जी, ट्रेन रोक के मैं बाहर चला जाऊंगा, वाह ये ट्रेन की चेन खींचूंगा और बाहर चला जाऊंगा और अपने दोस्त को बोलूंगा भाई ट्रेन रोक के रखना। आपकी शादी हो गई, शादी हो गई, आपके ससुर की प्रॉपर्टी है ना इंडियन रेलवे कि आप चेन खींचेंगे और बाहर जाके पट्टी कर लेंगे, और जो लोग नहीं उतर सकते हैं और जो लोग नियम का पालन करते जो चेन नहीं खींचेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो दबा के बैठे रहेंगे। आप अपना देखिए मैं अपना कर लूंगा, तरीके आते हैं। नहीं मुझे आपकी परवाह नहीं है, आप तो सीट के नीचे भी करके पेपर से ढक देंगे, मुझे चाहिए कि बाकी लोग कहाँ करें। जी 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 मतलब आपने ऐसा किया हुआ है और आप ऐसी बातें मुझे सिखा रही है इतनी देर से, कितना गंदा आदमी है यार, कितना वाहियात आदमी, से क्या कोई बहस करेगा, तुम ना बहस के लायक नहीं हो। एक छोटा सा हैबिट बोल रही हूँ कि इसको उठा के कर लो सुसु, जिससे कि दुनिया को आराम मिले, दुनिया साफ सुथरे टॉयलेट में प्रवेश कर सके। मुझे ग्लव्स दे दो, मुझे साबुन दे दो, मैं कर दूंगा। ग्लव्स क्यों दे भाई, मैं हाथ, मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं इसलिए। तो पैर से उठा लो, लंगड़े हो क्या, पैर से उठा लो उसको। अच्छा चलती ट्रेन में मैं पैर से उठाऊं और मैं गिर गया तो? ओहो टॉयलेट में इतनी जगह नहीं होती कि 6 फुट का इतना लंबा इंसान गिर जाएगा टॉयलेट में। अगर गिर गया मेरी टांग टूट गई तो आप मेरा खर्चा देंगे? देखो उधर गिरोगे बेसिन की तरफ गिरोगे, बेसिन तुम्हें जमीन में नहीं गिरने देगा, बेसिन से गिरोगे टॉयलेट तुम्हें गिरने नहीं देगा, कहाँ गिरोगे तुम, दरवाजा भी है, इतनी सी कोई जगह है उसमें गिरने की जगह। ये सब बातें करके आप गिर गई है मेरी नजरों से, बस करिए मैं जा रहा हूँ। जाएगा कहाँ।